Voda Gateway Protocol. Right? So if you talk about the Voda Gateway Protocol, अब ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे. पहली बात तो ये कि हमें ये समझना पड़ेगा कि बीसीपी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. ऐसा क्या हुआ कि हमारा काम ईआईसीआरपी और ओएसपीएफ से नहीं चला. देखो प्रॉब्लम क्या थी, ईआईसीआरपी और ओएसपीएफ वो सबके सब क्या हैं, आईजीपी. इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल. इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का मीनिंग होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा एएस राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं. इसका मीनिंग ये हुआ कि R1 और R2 अगर ये दोनों के दोनों डिफरेंट ASs में हैं, अगर R1 AS 100 में और ये R2 AS 200 में है, तो क्या आई मीन वाज इट पॉसिबल फॉर EICRP टू फॉर्म नेबरशिप एंड विल इट बी पॉसिबल फॉर OSPF टू फॉर्म नेबरशिप इफ दे आर इन डिफरेंट एरियाज. बिकॉज यहाँ पे हम एरिया से डिवाइड कर रहे होते हैं अपने नेटवर्क्स को, है ना. तो अगर दोनों तरफ डिफरेंट एरियाज हैं तो क्या दोनों में नेबरशिप बनेगी, कभी नेबरशिप फॉर्म होगी, राउट्स एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे. वैसे काफ़ी टाइम तक तो OSPF ही चलता रहा, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी बिकॉज इसमें हायरार्किकल मॉडल था, एरिया 0, 1, 2 इस तरीके से, ठीक है. तो वो सब चलता रहा, बट कब तक, आज के टाइम में अगर हम ग्लोबल राउटिंग टेबल की बात करें, मतलब जो ग्लोबल BGP टेबल है उसमें अप्रोक्सीमेटली 300,000 राउट्स अवेलेबल हैं. तो 300,000 राउट्स तो कोई भी IGP हो, चाहे वो OSPF है, चाहे वो RIP है, चाहे वो EICRP है, कोई भी उसको हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है. समझ में आया आप लोगों को. तो अब 300,000 राउट्स को हैंडल कौन करे. वैसे 300,000 तो बहुत बड़ी बात है, अगर 10,000 हैंडल कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है IGPs में, ठीक है. क्योंकि when they develop to these IGPs, they develop to them to handle up to 1,000 of prefixes in their routing table, ठीक है. जब डेवलपमेंट हुई थी IGPs की, तो उस टाइम पे बस यही सोच के डेवलपमेंट की गई थी कि अप टू 1,000 प्रीफिक्सेस वो अपने राउटिंग टेबल में हैंडल कर लें. तो जैसे RIP होता है, EICRP होता है, OSPF होता है, तो ठीक है, अगर आपके पास में अप टू 1,000 प्रीफिक्सेस हैं देन ठीक है, इनफ टू कॉन्फिगर, इट्स इनफ टू कॉन्फिगर IGPs ओवर देयर, राइट. प्रॉब्लम क्या है कि IGPs की जो एक हम कन्वर्जेंस की बात करें तो कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बट जहाँ पे बात आती है स्केलेबिलिटी की तो वो हाईली स्केलेबल नहीं होते. हाईली स्केलेबल नहीं होने का मीनिंग क्या है कि एक ह्यूज नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस वो अपने राउटिंग टेबल में हैंडल नहीं कर सकते. सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद IGPs. ये IGPs की प्रॉब्लम थी. समझ में आया आप सभी लोगों को या नहीं आया, बोलो. ठीक है, तो अब इसके बाद देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि अब ठीक है IGPs में कन्वर्जेंस फास्ट था, बट प्रॉब्लम किसकी थी, ये स्केलेबिलिटी की, ठीक है. साथ में सिक्योर भी नहीं है. अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो IGPs आर नॉट कम्प्लीटली सिक्योर प्रोटोकॉल्स. आई मीन IGPs आर नॉट सिक्योर प्रोटोकॉल एज एंड ऑल्सो दे आर नॉट रिलायबल. आई मीन दे आर नॉट कम्प्लीटली रिलायबल बिकॉज स्टिल वी आर हैविंग सम मैसेजेस ओवर देयर विच वुड बी फॉरवर्डेड विदाउट और विच वुड बी ट्रांसमिटेड विदाउट यूजिंग TCP एट ट्रांसपोर्ट लेयर. जैसे कि अगर हम OSPF की बात करें तो वहाँ पे क्या वो TCP यूज़ करता था, क्या RIP TCP यूज़ करता है, क्या आई मीन वो सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है. तो एक तो सिक्योर भी नहीं है, फुली सिक्योर नहीं है, दूसरा रिलायबल भी नहीं है. आई मीन हाईली मतलब रिलायबल भी नहीं है और साथ में हाईली स्केलेबल भी नहीं है. स्केलेबिलिटी भी लो है, रिलायबिलिटी भी आई मीन रिलायबल भी नहीं है, और साथ में मैंने बताया कि सिक्योर भी नहीं है, ठीक है. तो ये सभी प्रॉब्लम्स थी IGPs के साथ में. अब ठीक है, मैंने कहा कि जो ग्लोबल राउटिंग टेबल है वहाँ पे कितने राउट्स हैं अप्रोक्सीमेटली नाउडेज 300,000. तो ऑब्वियस ही बात है OSPF या फिर EICRP या फिर कोई भी IGP उनको हैंडल नहीं कर सकता, चाहे आप ISIS ले लो वो भी उनको हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है. तो फाइनली क्या लॉन्च किया उन्होंने, BGP. समझ में आया. देखो जब BGP की डेवलपमेंट हुई थी तो एक्चुअली जो BGP है ये EGP का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है. मतलब BGP से पहले क्या आया था मार्केट में, EGP. आजकल तो हम इसको कैटेगरी में डाल देते हैं, आजकल हम EGP को एज ए प्रोटोकॉल रीड नहीं करते हैं, आजकल तो हम इसको एज ए कैटेगरी लेकर के चलते हैं कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स उनकी दो कैटेगरीज हैं यहाँ पे, वन इज IGP, अनदर वन इज EGP, एंड अंडर EGP हमारे पास एक ही प्रोटोकॉल होता है, दैट इज BGP. बट पहले क्या था, आई मीन बिफोर BGP, EGP वॉज इट्सेल्फ ए प्रोटोकॉल, राइट. वो खुद में अपना एक प्रोटोकॉल था. तो
ईजीपी में यूजुअली देखो क्या होता था कि ठीक है, अगर दो डिफरेंट एएससीज हैं तो उनके दोनों के बीच में राउटिंग करा देता था ईजीपी, बट उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक रोबस्टनेस नहीं थी। मतलब आप ईजीपी में बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते थे अपनी तरफ से, जैसे कि पाथ मैनिपुलेशन होती है बीजीपी में, आपने देखा होगा सीसीएनपी में कि आपने कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ किए, सो दोज एट्रीब्यूट्स वर नॉट अवेलेबल इन ईजीपी। तो फाइनली दे लॉन्च्ड दिस बीजीपी, और बीजीपी मतलब जो उसका कोर है, जो एक कोर टेक्नोलॉजी है बीजीपी में जो यूज़ की गई है, वो कहाँ से ली उन्होंने, ईजीपी से। ठीक है, तो ईजीपी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, और बीजीपी में भी आज के टाइम में क्या चल रहा है यहाँ पे, वर्जन 4। इससे पहले वर्जन 3 और 2 भी आए हुए हैं बीजीपी के। ठीक है, वर्जन 2, 3, और फिलहाल जो करंटली चल रहा है बीजीपी का वर्जन, दैट इज वर्जन 4। और अभी जो वर्जन 4 है बीजीपी, इसमें आपको बीजीपी की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस रन कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी फॉर IPv4 एंड IPv6। एक सिंगल प्रोसेस रन कराओ, वर्जन 4 में ये बाय डिफॉल्ट फीचर है, राइट? आप एक सिंगल प्रोसेस के अंदर V4 और V6 दोनों के लिए ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको फॉर V4 एंड फॉर V6 यू विल नॉट रिक्वायर टू रन टू कॉन्फिगर मल्टीपल प्रोसेसेस ऑफ BGP, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे एक सिंगल प्रोसेस में ही आप दोनों के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है, V4 के लिए भी और साथ में V6 के लिए भी। समझ में आया आप सभी लोगों को? फाइन। तो अब देखो, जब उन्होंने BGP की डेवलपमेंट की ना, तो कन्वर्जेंस को तो साइड में रख दिया था कि मेरे को, हम लोगों को फास्ट कन्वर्जेंस चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। वो इन्होंने जो ध्यान दिया वो किस पे दिया, स्केलेबिलिटी पे। सेकेंड, रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी पे। तो है ये हाईली स्केलेबल है बीजीपी। देखो हाईली स्केलेबल का मीनिंग क्या है, कि जितना मन में आए आपके उतने प्रीफिक्सेस आप बीजीपी टेबल में इंस्टॉल करवा सकते हो, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करा सकते हो। बट इट डजंट मीन कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं हो गया। ऐसा भी नहीं कि डिवाइस तो सपोर्ट करता नहीं है, फिर डिवाइस की बैंड बच गई, आप कह रहे हो कि सर ये तो बीजीपी की वजह से ऐसा हो गया। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी तो बढ़ गई ना, हार्डवेयर अगर कैपेबल है तो ही बीजीपी वर्क करेगा, अदरवाइज बीजीपी क्या वर्क करेगा, वो तो एक्सेप्ट कर लेगा सभी प्रीफिक्सेस को। पता चला कि जो मेमोरी है डिवाइस की वो, हाँ कम मीन्स जो मेमोरी है उसका जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब मेमोरी बची नहीं है डिवाइस के पास में, तो ऑब्वियसली बात है जो लेन यूजर्स होंगे, जो एंड यूजर्स होंगे, उनका ट्रैफिक अब मूवमेंट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब जो डिवाइस है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। बाकी रिलायबल इसलिए होगा बिकॉज ये इट वर्क्स ओवर ओवर TCP, इट यूजेस TCP फॉर इट्स ऑल मैसेजेस। अभी तक क्या होता था, OSPF वगैरह या ECRP में एक्नोलिजमेंट थी वहाँ पे, एक्सटर्नल एक्नोलिजमेंट, बट दैट वॉज ओनली फॉर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेजेस। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें BGP की, तो BGP का पूरा जो प्रोसेस रन होगा वो ओवर TCP होगा। BGP का ऐसा कोई मैसेज नहीं होगा जो ओवर TCP नहीं जाएगा, सभी टाइप्स ऑफ मैसेजेस विल बी ट्रैवल ओवर TCP। ठीक है, समझ में आया? तो स्केलेबल भी है ये और रिलायबल भी होगा, और सिक्योर किस लिए, क्योंकि हम किसके ऊपर रन करा रहे हैं इसको, TCP के ऊपर, तो सिक्योर भी हो गया ये। तो BGP इज द ओनली प्रोटोकॉल विच यूजेस TCP फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और TCP पोर्ट नंबर क्या होता है इसका, 179। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो BGP क्यों अलग है बाकी से, वो समझ में आया आप सभी को? ठीक है, इसके बाद देखो, अब इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ, देखो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम BGP कहाँ पे इंप्लीमेंट करें या कहाँ पे करना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि कहीं पे भी BGP आप इंप्लीमेंट कर दोगे, तो फिर आप अच्छे नेटवर्क एडमिन नहीं हो, बिकॉज इट इज ऑलवेज नॉट गुड टू इंप्लीमेंट BGP इन ऑल नेटवर्क्स। अब सीधी सी बात है, मेरे को इंटरनेट एक्सेस करना है, ये राउटर वन और ये ISP। अब राउटर वन और यहाँ इसके पीछे क्या है, लेन यूजर्स, यहाँ पे स्विच होगा कहीं पे, क्यों? अब इनको इंटरनेट एक्सेस करना है, एक ही कनेक्शन है, तो आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या BGP रन कराओगे? और अगर आप कराओगे तो इसकी जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा हायर होनी चाहिए, है ना? आपको कम से कम 7600 सीरीज का राउटर लेना होगा, कम से कम 7600 का, या फिर इससे हायर सीरीज का राउटर परचेज करना होगा। BGP रन कराओगे, BGP को हैंडल करने के लिए एक नेटवर्क एडमिन भी चाहिए, और तब जाकर के आपको इंटरनेट एक्सेस होगा। क्या ऐसा करते हो आप इंटरनेट एक्सेस करने के लिए? तो इन सब चीज़ों की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसका रीज़न यही है कि क्योंकि हम यूजुअली जब भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं और हमारे पास केवल एक ही कनेक्शन होता है, तो हम क्या कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट राउट, और साथ में क्या करा देते हैं, नेटिंग।
तो डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करके नेटिंग करा दो, बस ठीक है, इतना इनफ है आपके लिए। तो आपके जितने भी एंड यूजर्स हैं, जो भी लेन यूजर्स होंगे, उन सभी को इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा। सभी लेन यूजर्स को इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा जस्ट आफ्टर डिफाइनिंग डिफॉल्ट राउट टूवर्ड्स एन आई एस पी एंड आफ्टर कॉन्फिगरिंग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। समझ में आया आप लोगों को? तो यूजुअली देखो, ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे आप बीजीपी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं होता कभी भी। बीजीपी इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस मैच कर रही होती हैं तो ही हम बीजीपी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन मैच नहीं कर रही होगी, देन वी विल नेवर गो फॉर बीजीपी। फिर उससे अच्छा तो वही है कि आप ईआईसीआरपी या फिर ओएसपीएफ यूज कर लो, बिकॉज उनका कन्वर्जेंस भी क्या होता है, फास्ट एज कम्पेयर टू बीजीपी। ठीक है, अब इसके बाद देखो होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कस्टमर्स की। टाइप्स ऑफ कस्टमर, तो टाइप्स ऑफ कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सिंगल होम्ड। फिर एक क्या होता है यहाँ पे, ड्यूअल होम। फिर क्या आएगा, सिंगल मल्टी होम। यू अंडरस्टैंड, सिंगल होम्ड, ड्यूअल मल्टी होम, सॉरी ड्यूअल होम्ड, सिंगल मल्टी होम्ड, ड्यूअल मल्टी होम्ड। सिंगल होम्ड का मीनिंग समझो आप सबसे पहले। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज योर आई एस पी, ये कस्टमर का राउटर है। इस तरह का जो कस्टमर होगा इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल होम्ड। और जब भी आपके पास में एक सिंगल होम्ड कस्टमर होगा, यू विल नेवर प्रीफर्ड BGP, क्योंकि उससे अच्छा क्या है कि यहाँ पे आप क्या कॉन्फ़िगर कर दो, एक स्टैटिक डिफॉल्ट राउट और साथ में क्या करा दो यहाँ पे, नेटिंग। बस इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा लेन यूजर्स को, क्यों, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा यहाँ पे। बट जब आप बात करते हो ड्यूअल होम्ड की, तो अगर आपका कस्टमर एक ड्यूअल होम्ड कस्टमर है तो उस केस में आई एस पी एक कॉमन होगा, कॉमन आई एस पी, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो रिलायंस हो, या जो भी है, चाहे वो बी एस एन एल, एम टी एन एल, जो भी है, ठीक है। फिर इसके बाद कस्टमर की अगर हम बात करें तो इसके पास कम से कम दो कनेक्शन होंगे फ्रॉम ए सिंगल, फ्रॉम ए सेम सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इस तरह के कस्टमर को बोला जाता है ड्यूअल होम्ड। अब ड्यूअल होम्ड में प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आप यहां पे डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हो दोनों पे, तो दो डिफॉल्ट राउट होंगे, और आपको पता है कि डिफॉल्ट राउटिंग के केस में राउटर लोड बैलेंसिंग परफॉर्म नहीं करता। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों लिंक्स यूटिलाइज हों, तो उसके लिए अब आपको यहां पे क्या कॉन्फ़िगर करना होगा, बीजीपी। समझ में आया आपको? और एक होता है सिंगल मल्टी होम्ड। सिंगल मल्टी होम्ड में क्या होगा कि कम से कम दो आईएसपीज होने चाहिए, दो डिफरेंट आईएसपीज, एंड फ्रॉम ईच आई एस पी कस्टमर हैज टू बाई एट लीस्ट वन कनेक्शन। तो जैसे यहाँ से वन ले लिया और यहाँ से वन ले लिया, यहाँ पे फिर से अगर डिफॉल्ट आउट कॉन्फिगर करोगे तो फिर से लोड बैलेंसिंग नहीं होगी, तो फिर से क्या इम्प्लीमेंट करना होगा आपको यहाँ पे, बीजीपी। तो इसमें ये एक एडवांटेज मिल जाएगा कि अगर आई एस पी के एंड पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास दूसरे आई एस पी से कनेक्शन है, हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें क्या आता है आपका, डुअल मल्टी होम। तो अगर ड्यूअल मल्टी होम्ड की बात करें हम यहाँ पे, तो द मीनिंग ऑफ ड्यूअल मल्टी होम्ड इज कि कम से कम कितने आईएसपीज होने चाहिए, दो। आप एक, अरे दो से ज्यादा भी रख सकते हो, बट एटलीस्ट कितने होने चाहिए, दो आईएसपी। एंड फ्रॉम ईच आईएसपी, लेट से ये कस्टमर एंड पे राउटर्स लगे हुए हैं R1 एंड R2, फ्रॉम ईच आईएसपी कम से कम आपके पास दो कनेक्शन होने चाहिए। तो देखो ये कस्टमर का नेटवर्क है, देखो ये पूरा का पूरा, ठीक है, दिस इज कस्टमर्स नेटवर्क। तो इसने दो एच राउटर यूज किए यहाँ पे कस्टमर ने, और दोनों आई एस पी से कम कितने कनेक्शन लिए हुए हैं, दो दो कनेक्शन। सो इस तरह का जो कस्टमर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ड्यूअल मल्टी होम्ड कस्टमर। और याद रखना, जब भी आपके पास में ड्यूअल मल्टी होम्ड कस्टमर होगा तो आप हमेशा क्या कॉन्फिगर करोगे यहाँ पे, बीजीपी। और बीजीपी क्या होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल।
समझ में आया आप सभी लोगों को? पक्का? ठीक है, तो इस तरह के कस्टमर्स होते हैं। और तो अब समझ में आया आपको? अब अगर कोई पूछता है आपको कि वेयर कैन वी इंप्लीमेंट बीजीपी, तो उसके सिंपल से आंसर्स होंगे। पहला, इफ वी आर आईएसपी। देखो सीधी सी बात, अगर हम खुद में आईएसपी हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस क्या होंगे? ज्यादा। तो हमें क्या कॉन्फिगर करना होगा? बीजीपी। सेकेंड, इफ वी आर हैविंग redundant इंटरनेट कनेक्शन, अगर आपके पास में एक redundant इंटरनेट कनेक्शन है, then also you can go for BGP, अगर आप एक कस्टमर हैं तो। ठीक है, थर्ड क्या है? If we are handling an enterprise network, ये three different conditions हैं। अगर इसमें से कोई भी एक match हो जाएगी तो हम क्या configure कर लेंगे अपने network में? First क्या था? देखो, if we are an ISP, तो ठीक है, फिर तो हमें BGP configure करना ही होगा, क्योंकि ISP के पास तो बहुत ज़्यादा number of prefixes होते हैं। If we are having redundant internet connection, third क्या था? If we are handling enterprise network का meaning क्या हुआ यहाँ पे? एक बड़ा network, जैसे कि एक HCL का अपना network हो गया, Recent का अपना network हो गया internal, है ना, Accenture का अपना internal network हो गया, तो उसको क्या कहेंगे अब हम? Enterprise network, मतलब कंपनी का अपना network है but it's huge, तो उस केस में भी आप किसको implement कर सकते हो वहाँ पे? BGP को। समझ में आया आप सभी लोगों को? So there are these three different conditions in which you can think about BGP, right? Fine. अब अगर हम BGP की बात करें, देखो ये तो मैंने बताया आपको कि हाँ क्या आप कहाँ पे implement कर सकते हो, आप कहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है? Apart from that, अगर हम BGP की बात करें तो BGP को मैंने बताया आपको कि ये क्या होता है? Fully सिक्योर होता है ना, हाईली स्केलेबल होता है ना, और बाकी कन्वर्जेंस क्या होता है इसका? स्लो। कन्वर्जेंस स्लो क्यों होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल बस इतना समझ लो कि जो बीजीपी होता है इसका कन्वर्जेंस स्लो होता है, ठीक है? फिर इसके बाद देखो हम बात करते हैं बीजीपी में ही, देखो बीजीपी में दो चीजें आती हैं, IBGP और दूसरा ABGP। देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि BGP क्या परफॉर्म कराएगा? इंटर AS राउटिंग। इंटर AS का मीनिंग क्या हुआ कि दो डिफरेंट ASs के बीच में भी ये राउटिंग परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर दो राउटर्स हैं, हो सकता है दोनों के दोनों सेम AS में, और हो सकता है दोनों के दोनों डिफरेंट AS में। अब चाहे वो किसी में भी है, चाहे सेम AS में चाहे वो डिफरेंट AS में, वो दोनों क्या फॉर्म कर लेंगे? पीयरिंग। यहाँ पे नेबरशिप को क्या बोलेंगे? पीयरिंग। आ गया समझ में? तो अगर दोनों सेम एएस में तो क्या बोलेंगे उन दोनों को? आईबीजीपी पीयर। और अगर दोनों डिफरेंट एएसएस में तो दोनों को क्या बोलेंगे? ईबीजीपी पीयर। आर वन के लिए आर टू ईबीजीपी पीयर हो जाएगा, और आर टू के लिए आर वन ईबीजीपी पीयर हो जाएगा। ठीक है, अब अभी तक आपने देखा होगा कि अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल प्रीफिक्सेस की बातें करते थे, तो एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस कौन से होते थे? जो सिर्फ और सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के आ रहे होते थे, उन्हीं को क्या कहते थे हम? एक्सटर्नल प्रीफिक्स। और इंटरनल जो सेम, जैसे ओएसपीएफ में इंटर एरिया और इंट्रा एरिया को क्या बोलते थे? इंटरनल। और ईआईसीआरपी में जो सेम एएस से आ रहे होते थे उनको इंटरनल बोलते थे, लेकिन बीजीपी में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें चाहे रिडिस्ट्रीब्यूटेड है प्रीफिक्स या जैसा भी आपने एडवर्टाइज कराया, डजंट मैटर। देयर इज ओनली वन थिंग, अगर आप आईबीजीपी नेबर से रिसीव करते हो तो उसको क्या कहेंगे? इंटरनल प्रीफिक्स।
अगर आप अपने प्रीफिक्स को ईबीजीपी नेबर से रिसीव करोगे तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। अब चाहे वो रेडिसिपेटेड हुआ हो या ना हुआ, उससे पीछे उसने ईबीजीपी नेबर से रिसीव किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है कि हमने किस नेबर से उसको रिसीव किया, राइट? तो अगर दोनों सेम एस, सेम एस में, तो क्या हो जाएंगे फिर यहाँ पे ये आईबीजीपी। अगर ये दोनों डिवाइसेस, दोनों राउटर सेम एस में, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? आईबीजीपी। और अगर आईबीजीपी है तो उससे जो प्रीफिक्स आएगा उसको क्या कहेंगे हम? इंटरनल प्रीफिक्स। आ गई बात समझ में? अगर कोई भी प्रीफिक्स आईबीजीपी नेबर से रिसीव होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल प्रीफिक्स। और अगर कोई भी प्रीफिक्स ईबीजीपी नेबर से रिसीव होता है तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल प्रीफिक्स। और इंटरनल प्रीफिक्स के लिए देखो, एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 200। और एक्सटर्नल के लिए बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 20। ये भी बताऊंगा मैं आपको कि ऐसा क्यों है, यहाँ पे इंटरनल के लिए 200 क्यों है और एक्सटर्नल के लिए 20 क्यों है, बताऊंगा ये सब चीजें मैं आपको। फिलहाल बस इतना आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल के लिए 200 और एक्सटर्नल के लिए 20 होती है यहाँ पे, ठीक है? फाइन। अब देखो होता क्या है बीजीपी में, क्वेश्चन यही है कि एडी वैल्यू 200 थी यहां पे तो क्यों, और अगर 20 है तो ऐसा क्यों? देखो होता क्या है कि अगर आप आईबीजीपी की बात करते हो, मतलब इंटरनल प्रीफिक्सेस की बात करोगे, तो इंटरनल में क्या आएगा? आईबीजीपी। और आईबीजीपी में क्या चला रहे हो आप? बीजीपी रन करा रहे हो। क्यों? मान लो कि एस क्या था यहां पे? 100। फाइन। अब अगर आप एक ही एस के अंदर बीजीपी रन कराते हो और साथ में क्या चला हुआ है? ओएसपीएफ। कन्वर्जेंस किसका फास्ट होता है? ओएसपीएफ का। तो प्रीफर्ड किसको करना चाहिए हमें? विद इन एनएएस। और कर रहे होते हैं, और उसको प्रीफर्ड करने के लिए ही, मतलब आईजीपी इसको प्रीफर्ड करने के लिए, क्योंकि विद इन एनएएस तो आप कोई भी कुछ भी एक प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर सकते हो, मन करे तो आईजीआरपी कर लेना और मन करे तो ओएसपीएफ कर लेना, ठीक है? लेकिन अगर ईएसआरपी और ओएसपीएफ दोनों को कंपेयर करें बीजीपी से, तो कन्वर्जेंस फास्ट किसका है? ईएसआरपी एंड ओएसपीएफ का। समझ में आया सभी लोगों को? तो अब सीधी सी बात है, अगर सेम एएस से आ रहे हैं तो वो जो नेबर होगा, जो सेम एएस में, वो क्या होगा? आईबीजीपी नेबर। तो इसीलिए रूल होता है कि जो आईबीजीपी नेबर से राउट लर्न होगा उसको क्या कहेंगे? इंटरनल। और उसकी एडी वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। तो इन केस अगर आपको वही सेम प्रीफिक्स आईजीपीस के थ्रू मिल रहा है, जैसे कि ओएसपीएफ ईएसआरपी, तो किसको प्रेफर करेगा ये बाय डिफॉल्ट? आईजीपी। बोलो, आईजीपीस को, बिकॉज़ बीजीपी में, बीजीपी की जो एडी वैल्यू है वो क्या होती है? 200। और आईजीपीस में 200 से कमी होती है, कोई भी आईजीपी उठा लो आप, चाहे रेप, ईएसआरपी, ओएसपीएफ, आईएसआई, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल ले लो, सभी की एडी वैल्यूज लेस देन। समझ में आया? इंटरनल बीजीपी मतलब आईबीजीपी से लोअर है। बट अगर हम ईबीजीपी की बात करें तो ईबीजीपी में देखो, आपने देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू क्या होती है? 20। वो इसलिए होती है कि अगर दो डिफरेंट एएसएस के बीच में गलती से भी अगर आपका डायनामिक, मतलब ईएसआरपी ओएसपीएफ चल गया, तो उस वो जो राउटिंग टेबल है डिवाइसेस की, वो क्या हो सकती है? क्रैश। समझ में आया? अरे हो सकता है राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क ना करे वहां पे ओएसपीएफ एंड ईएसआरपी। क्यों? क्योंकि ईबीजीपी का मतलब क्या हो गया? दो डिफरेंट एएसएस है। मान लो कि आपने कॉन्फिगर कर दिया, तो वही सेम राउट किससे आ रहे हैं? ईबीजीपी से। और वही सेम राउट किससे आ रहे हैं? आईजीपी से। तो बाय डिफॉल्ट किसको प्रीफर करेगा? बीजीपी को। और करना भी चाहिए, क्योंकि दो डिफरेंट एएसएस मतलब नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस बहुत ज्यादा। समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? तो इसीलिए जब भी दो डिफरेंट एएसएस की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू क्या होती है बीजीपी की? 20। किसी को इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं, अगर गलती से कॉन्फिगर हो गया तो, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो तब भी वो किसको प्रीफर करेगा? ईबीजीपी को, ना कि बीजीपी को। और मान लिया हमने करवाया रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, तभी तो कह रहा हूँ, दो डिफरेंट एएसएस के बीच में मान लो ईबीजीपी चला हुआ और साथ में क्या कॉन्फिगर कर दिया? आईजीपी। तो बाय डिफॉल्ट किसको प्रीफर करना चाहिए? उसको, बीजीपी को। इसीलिए उसकी एडी वैल्यू क्या है? 20। लोअर देन एनी अदर आईजीपी। बोलो, समझ में आया यहां तक सभी को? पक्का? ठीक है। तो ईबीजीपी के लिए इसीलिए 20 होती है, और आईबीजीपी के लिए इसीलिए 200 होगी, क्योंकि विद इन एनएएस तो हम हमेशा किसको प्रीफर करेंगे? अपने आईजीपी को। हाँ, दो डिफरेंट एएसएस की बात आएगी तो हमेशा किसको प्रीफर करना चाहिए? ईबीजीपी को। वैसे मॉडिफाई कर सकते हो, मैनिपुलेशन करा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते एनएडी वैल्यूज को। जैसे वहां पे उनको मॉडिफाई किया था ओएसपीएफ ईएसआरपी के लिए, ऐसे ही
यहाँ पे भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया कि एडी वैल्यूज क्यों है। बीजीपी में क्या यूज कर रहा होता है ये एएस, एएस का मीनिंग क्या होता है? ऑटोनोमस और ये क्या होता है वन एएस क्या होता है लॉजिकल कलेक्शन ऑफ राउटर्स अंडर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, उसको क्या कहते हैं 1AS। तो ASCII की जो रेंज होती है अगर 16 बिट्स लॉन्ग ASCII की रेंज रहे तो ये कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेकर के, जिसमें से फर्स्ट एंड लास्ट क्या होती है रिजर्व, तो अल्टीमेटली जो बची वो कहां से कहां तक बची है 6555, हाँ ऐसे होता है ना, तो ये जीरो एंड लास्ट वाला रिजल्ट होता है। तो रेंज कहां से कहां तक जाएगी 1 से 6555, इसमें से भी पब्लिक एएस और प्राइवेट एएस, पब्लिक की बात करें तो 1 से लेकर के 4500, these all are public AS, private anyone can use them, बोलो। तो इस तरीके से ये रेंज है प्राइवेट के लिए। अब हुआ क्या, देखो पब्लिक एएस सेम एज पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट एएस इज सेम एज प्राइवेट आईपी, एनीवन कैन यूज देम राइट। बट अब धीरे धीरे जो नंबर ऑफ एएस वो क्या हो गए रिड्यूस, और धीरे धीरे अब ऐसी कंडीशन आने वाली है कि जो नंबर ऑफ एएस है वो फिनिश होने वाले हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या निकाल दिया, अब 32 तो इसमें अब या तो आप सीधे सीधे क्या कह लो 2 raised to the power 32, अरे वर्ल्ड और फिर .02 ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को ये पक्का, ठीक है। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो प्राइवेट सर, इसमें नहीं पता मेरे को प्राइवेट पब्लिक की रेंज, ठीक है। अब इसको इसके बाद देखो, ये तो हो गया कि एएसएस क्या होते हैं बीजीपी में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ठीक है, जैसे कि अपडेट नोटिफिकेशन, अलग अलग कंडीशंस में जाते हैं मैसेजेस, उनका यूसेज भी अलग है, ठीक है ठीक है। तो बीजीपी में देखो, अभी तक मैंने जो बताया आपको कि बीजीपी इज डिफरेंट फ्रॉम आईसीपीज, इन व्हिच कंडीशंस यू कैन इंप्लीमेंट बीजीपी इन योर नेटवर्क, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन व्हिच यू कैन इंप्लीमेंट, यू कैन थिंक टू इंप्लीमेंट बीजीपी, अदरवाइज यू विल नेवर थिंक अबाउट बीजीपी, especially when you are having only one internet connection you cannot go for BGP, because if you go for BGP then you have to buy that router so that you can have that much number of prefixes in its routing table, and then after you should be very good in BGP as well, you should have some knowledge about the BGP, and if you do not have the knowledge, if you do not have knowledge of BGP then definitely you have to you must have an employee who is very good in BGP, and then after you will be able to access internet at your home,
ओके तो ऐसा कभी नहीं करेंगे. तो वही मैंने आपको बताया कि किन किन कंडीशंस में आप बीसीपी इंप्लीमेंट कर सकते हो. फिर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं. देखो BGP इज द ओनली प्रोटोकॉल व्हिच इज कंप्लीटली रिलायबल प्रोटोकॉल बिकॉज़ इट यूजेस TCP पोर्ट नंबर 179 एंड ऑल दीस टाइप्स ऑफ पैकेट्स ऑफ BGP विल ऑलवेज ट्रैवल ओवर TCP ओनली. ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी पैकेट बिना TCP के चला जाएगा. नहीं, पहले TCP कनेक्शन फॉर्म होगा एंड देन आफ्टर BGP विल सेंड ऑल दीस टाइप ऑफ पैकेट्स. बिफोर फॉर्मेशन ऑफ TCP कनेक्शन BGP विल नेवर ट्रांसमिट एनी वन आउट ऑफ दीस मैसेजेस और दीस पैकेट्स. Never ever. Now let's try to learn or let's try to get the meaning of all these types of packets in BGP. Let's start it from open message. हमेशा याद रखना कि open message सिर्फ एक ही बार जाएगा जब neighborship आ पाती है. Once neighborship will come up, then after it will never send. I mean peers will never generate open messages for each other. उसके बाद कभी open message generate नहीं होगा. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को. ओपन मैसेज सिर्फ एक बार जाता है BGP में, उसके बाद कभी नहीं जाएगा ओपन मैसेज. अब क्वेश्चन ये है, देखो आपने पढ़ा होगा पहले IGPs में हेलो पैकेट है ना, हेलो पैकेट होता था वहां पे. तो हेलो का क्या यूजेस था वहां पे OSPF ERP में? जस्ट टू एक्सचेंज दैट इन्फॉर्मेशन विच वॉज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश नेबरशिप एंड देन आफ्टर टू मेंटेन नेबरशिप. एज ए कीप अलाइव ही यूज करता था हेलो मैसेजेस को, पहले इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए और फिर उसके बाद एज ए कीप अलाइव, है ना. तो यहाँ पे ना इस सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए दो डिफरेंट मैसेजेस हैं, ओपन एंड कीप अलाइव, दो अलग अलग मैसेजेस हैं यहाँ पे. ओपन का सिर्फ इनिशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम होता है, जबकि कीप अलाइव फॉर कीप अलाइव, मतलब कीप अलाइव जो मैसेजेस होते हैं, जो कीप अलाइव पैकेट्स होंगे BGP में, वो कीप अलाइव की ही तरह वर्क करेंगे. समझ में आया आप लोगों को? तो ओपन मैसेज और कीप अलाइव वर्क सेम एज हेलो does in IGPs. दोबारा ओपन मैसेज भेजेगा फिर वो, ठीक है. जब नेबरशिप आ पा रही होती है देन ओपन मैसेज वो जनरेट करेगा ही करेगा, ठीक है. अच्छा, अब हम बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ ओपन मैसेज की. कंटेंट्स ऑफ ओपन पैकेट, तो अगर हम कंटेंट ऑफ ओपन पैकेट की बात करें, यहाँ पे कंटेंट्स की बात करें इसमें, तो इसमें क्या क्या जाएगा, जैसे कि वर्जन, और मैंने कहा था वर्जन मस्ट मैच. फिर इसमें जाएगा इस ऑन AS नंबर ओपन में देगा, और सामने जब हम कहते हैं ना BGP में नेबर दिस रिमोट AS, तो हमने तो बता दिया कि हमारा जो नेबर है वो इस AS में. जब सामने से ओपन भेजेगा तब वेरीफाई भी हो जाएगा, क्योंकि उस ओपन में वही AS आना चाहिए जो मैंने रिमोट AS में कॉन्फ़िगर किया था. नहीं आया समझ में? अरे ओपन में क्या दे रहे हो आप अपना AS, तो सामने जो रिमोट AS में कॉन्फ़िगर होगा और जो ओपन में गया वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें क्या जाएगा, इसकी राउटर ID, और राउटर ID से अलग क्या जाएगा इसमें, होल्ड डाउन होल्ड टाइम. वर्जन क्या चल रहा है फिलहाल, बाकी ये डिपेंड करेगा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है. तो होल्ड डाउन टाइमर, दो डिवाइसेस, दो BGP पीयर्स हमेशा एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं. समझ में आया आप लोगों को? जो होल्ड डाउन टाइमर है वो नेगोशिएट करते हैं दोनों के दोनों. जो लोवेस्ट होता है बाय डिफॉल्ट तो फिक्स होता है 180 seconds, ठीक है. बाकी नेगोशिएट जिसका लोअर होगा वही नेगोशिएट हो जाता है. मतलब यहाँ पे होल्ड डाउन टाइमर के मिसमैच होने से नेबरशिप डाउन नहीं होगी, अनलाइक OSPF, क्योंकि OSPF में तो अगर डेड टाइमर मिसमैच था तो नेबरशिप आपको आती ही नहीं थी, है ना. और अगर आप थी पहले से तो वो डाउन हो जाती थी, ठीक है. तो ओपन मैसेज में, ओपन पैकेट के अंदर, जो ओपन पैकेट होगा BGP में, उसमें ये इन्फॉर्मेशन जाएगी. तो ये सिर्फ इसलिए जाती है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, राइट. और अब अगर दोनों राउटर एग्री कर जाते हैं कि दे आर रेडी टू फॉर्म नेबरशिप, तो उसके बाद दोनों एक दूसरे को क्या देना स्टार्ट कर देते हैं, कीप अलाइव मैसेजेस. क्या स्टार्ट कर देंगे? कीप अलाइव. और कीप अलाइव जो कीप अलाइव में कुछ ज्यादा नहीं होता है, कीप अलाइव बस एक कीप अलाइव मैसेज है जो ये बता रहा है कि आई एम स्टिल अलाइव. तो इन BGP इट विल जनरेट कीप अलाइव मैसेजेस इन एवरी 60 seconds. तो अगर दो राउटर्स के बीच में BGP पेयरिंग है तो दोनों एक दूसरे को क्या भेजेंगे, कीप अलाइव इन एवरी 60 seconds. और by default hold down timer क्या होता है, 180 seconds. जी, जो hold timer जिसका कम होगा दोनों को वही सेट होगा, वही सेट होगा, दोनों का negotiate कर लेते हैं वो, ठीक है. आ गया समझ में?
तो होल्ड डाउन टाइम, अब यहाँ पे कीप अलाइव कितना है यहाँ पे 60 सेकंड्स, और बाय डिफॉल्ट होल्ड डाउन भी कितना होता है 180 सेकंड। बाय डिफॉल्ट होल्ड डाउन 180 होता है, कीप अलाइव 60 होता है। तो अगर 3 कंसेक्यूटिव कीप अलाइव रिसीव नहीं होते हैं तो नेबरशिप क्या हो जाएगी, बिजी पेयरिंग क्या हो जाएगी, डाउन। आगे बात समझ में क्लियर हुआ सभी लोगों को? हाँ होल्ड डाउन आप चेंज कर सकते हो ना। अच्छा, वैसे तो ना वैसे कैसे होगा, वैसे तो वही हाँ बाय डिफॉल्ट 180 होता है तो 180 ही रहेगा। ठीक है, कीप अलाइव का यूसेज समझ में आया आप लोगों को? लेकिन याद रखना चाहे वो ओपन है चाहे वो कीप अलाइव, सब किसके ऊपर जाएगा, होगा टीसीपी। फिर इसके बाद क्या था यहाँ पे, अपडेट। अपडेट पैकेट के ना दो मेन कंटेंट होते हैं। देखो अपडेट का मतलब यहाँ पे वही है कि अपडेट मतलब प्रीफिक्सेस की इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, राइट, राउट्स की इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा। लेकिन इसके दो मेजर कॉम्पोनेंट, थ्री मेजर कॉम्पोनेंट होते हैं एक्चुअली अपडेट के। एक तो होता है आपका एट्रीब्यूट्स, पाथ एट्रीब्यूट्स, एक NLRI, विड्रॉन राउट्स। ठीक है, या विड्रॉन प्रीफिक्सेस हम बोलेंगे। तो ये भी किस में जाएगा, अपडेट के अंदर, राइट। मान लो कोई प्रीफिक्स डाउन हो गया तो सामने वाले को बताना पड़ेगा किसको रिमूव करो, तो उस किस में जाएगा, विड्रॉन में। NLRI का मीनिंग होता है नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। एक तो होता है सिर्फ नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी मतलब पिंग कर रहा है, और एक होता है नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। दोनों में डिफरेंस है, एक तो होगा सिंपल नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी, फाइन, एक होता है नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, प्रीफिक्स। प्रीफिक्सेस को बीजीपी में क्या बोले, क्या बोलेंगे हम, मतलब अपडेट पैकेट के अंदर क्या बोलेंगे, NLRI। अच्छा देखो बीजीपी हम कहते हैं ना कि एक बड़ी बीजीपी टेबल भी हैंडल कर लेता है, अपडेट भी जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा। उसका रीजन पता है क्या है, जब पाथ एट्रीब्यूट जाएंगे ना, देखो अभी तक आपने देखा था ESERP और OSPF में कि हर एक प्रीफिक्स के साथ में उसके अपडेट्स मतलब उसके जो एट्रीब्यूट्स होते थे, जैसे मैट्रिक में और EIGR में बैंडविड्थ डिले लोड रिलायबिलिटी हर एक राउट के साथ ऐड होकर के जाता था ना, हर एक राउट के साथ एसोसिएटेड होती थी ये इंफॉर्मेशन वहां पे। लेकिन BGP में ऐसा नहीं होता। मान लो BGP में 100 प्रीफिक्स हैं, उन सभी 100 प्रीफिक्सेस के जो एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट्स इन BGP? आप एट्रीब्यूट का मतलब मैट्रिक्स तो नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे दीज आर दोज क्राइटेरियाज व्हिच आर यूज्ड बाय BGP फॉर देयर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं यहाँ पे, मतलब BGP does not rely only on one component to define its best path selection, unlike OSPF and EICRP, right? Even though in EICRP we were having multiple things, but finally EICRP was also calculating only one thing, one product, that was metric. Because in EICRP also its best path selection was depending only on its metric. In OSPF its best path selection was depending on cost, but in BGP there is no single thing on which BGP will rely for its best path selection. No, it is having multiple things, multiple components over here, which can be used by BGP to define its best path. आगे बात समझ में, और उन्हीं को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, BGP path attributes. All those components which are used by BGP for defining best path, right, will always be known as BGP best path. I mean, BGP attributes. You can say BGP path attributes. All those components which are used by BGP for its best path selection would be known as BGP path attributes. तो अब हम क्या मान के चलें कि हमारे पास 100 prefixes हैं, और अगर उन सभी 100 prefixes के जो path attributes हैं वो common हैं, तो ये क्या करेगा, उन सब के सब 100 prefixes को कहाँ पे list करेगा, under NLRI, और उन सभी NLRI में उनके जो attributes हैं वो mention नहीं होंगे, उन सभी 100 NLRIs के लिए यहाँ पे एक कॉमन पाथ एट्रीब्यूट्स होंगे, और ये अपडेट में लग करके चला जाएगा। तो जो अपडेट पैकेट साइज है वो क्या हो गया, रिड्यूस आया ना। तो जो बैंडविड्थ बहुत ज्यादा कंज्यूम हो सकती थी ड्यूरिंग नेबरशिप नेगोशिएशन, है ना, क्योंकि जब भी नेबरशिप नेगोशिएट होगी तो अपडेट देंगे ना एक दूसरे को, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे बैंडविड्थ आपकी चौक हो सकती थी, राइट। बट अब मतलब BGP में ऐसा नहीं होता ड्यू टू दिस, नहीं ये मत कहो ड्यू टू पाथ एट्रीब्यूट, कहो दिस टाइप ऑफ अपडेट पैकेट, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ अपडेट पैकेट। अभी तक क्या होता था, हमने अपडेट पैकेट ओपन करके देखा था EIGRP का भी और OSPF का, कि हर एक प्रीफिक्स के साथ में उसके
उसके आई मीन जो मैट्रिक कैलकुलेशन कंपोनेंट्स थे वो ऐड होकर के जाते थे, है ना। तो वहां पे जो एक बैंडविड्थ कंजप्शन था वो क्या था, ज्यादा हायर था, है ना। जबकि यहाँ पे 100 प्रीफिक्सेस हैं, अगर सभी के एट्रीब्यूट्स कॉमन है तो उन सभी को अंडर एनएलआरआई रखेगा, उन सभी 100 प्रीफिक्सेस को, और उन सभी 100 प्रीफिक्सेस के लिए एक कॉमन पाथ एट्रीब्यूट वाली फील्ड होगी वो रख देगा, तो वो सबके सब एट्रीब्यूट सब किन के लिए होंगे, उन सभी 100 प्रीफिक्सेस के लिए। मतलब इंडिविजुअली इसको एट्रीब्यूट ऐड करके एडवर्टाइज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हाँ जी, हाँ ग्रुप की ग्रुपिंग हो गई एक तरीके से, ठीक है। और विड्रॉन राउट्स कौन से राउट्स आएंगे, जो आपके राउट्स डाउन हो जाते हैं, जो रिमूव हुए हैं, वो किस में जाएंगे, विड्रॉन राउट्स में, सो दैट इट कैन इन्फॉर्म टू इट्स नेबर। आ गई बात समझ में। सो दिस इज द यूसेज ऑफ अपडेट पैकेट इन बीजीपी। फाइन, फाइनली क्या है यहाँ पे, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कब जाता है, मान लो कि आपको नेबरशिप डाउन करनी है बीजीपी की, तो उसको नोटिफाई तो करना पड़ेगा पीयर को कि भाई मैं नेबरशिप डाउन कर रहा हूँ ड्यू टू दिस रीजन। मान लो होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर हो गया आपका, then you will notify to your peer that my hold down timer has expired, that is why I'm breaking my neighborship, I'm breaking up neighborship with you। तो ये क्या होता है यहाँ पे, notification। तो notification तभी जाएगा जब कोई neighborship वगैरह down हो रही होती है, तो down होने से पहले अपने neighbor को notify करेगा कि मैं इसको down कर रहा हूँ due to this reason, right? So this is the meaning by notification। आ गई बात समझ में सभी को या नहीं? Hold timer का wait नहीं करता। हाँ जी, hold timer का wait नहीं करता, होल्ड डाउन टाइमर का वेट नहीं करेगा। एक्जैक्टली, मतलब जो होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर होने के बाद ही नेबरशिप ब्रेक होगी ना, आप वेट नहीं करेगा। अगर हमें नोटिफिकेशन मिल गया कि हाँ नेबरशिप डाउन करनी है, तो इमीडिएटली दूसरे एंड से भी नेबरशिप आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द यूसेज ऑफ नोटिफिकेशन। फाइन, तो ये टोटल 4 टाइप्स के पैकेट्स थे जिनको मैंने आपसे डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हम क्योंकि पूरा बीजीपी ही स्टडी कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो बीजीपी हम नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, जो हमने ये क्या था, टाइप्स ऑफ पैकेट्स, राइट। अब इसके बाद जो हम इसमें डिस्कस करेंगे हाँ, बीजीपी एफएसएम फाइनाइट स्टेट मैकेनिज्म, बीजीपी फाइनाइट स्टेट मैकेनिज्म, या इसी को हम क्या कहते हैं, बीजीपी नेबरशिप स्टेट्स। सर प्रश्न जी, जैसे यूजीआरपी डिस्टेंस फैक्टर है और क्योंकि हम यहाँ पे मीन बीजीपी क्या यूज कर रहा होता है, एस पाथ एट्रीब्यूट। और ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एस पाथ एट्रीब्यूट को यूज करेगा फॉर इट्स बेस्ट पाथ सिलेक्शन, बट बिकॉज इट इज कंसिडरिंग एस पाथ एट्रीब्यूट फॉर इट्स बेस्ट पाथ सिलेक्शन, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज ए पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। आई बात समझ में, हम इसको पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इसीलिए बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में होता क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। रीजन इसका बिकॉज बीजीपी भी सिर्फ और सिर्फ बेस्ट पाथ की इन्फॉर्मेशन अपने नेबर को एडवर्टाइज करेगा, सेम एज डिस्टेंस वेक्टर। हाँ, डिफरेंस क्या है कि वहां पे डिस्टेंस वेक्टर में हॉप काउंट वैल्यू हमेशा ऐड होकर के जाती थी, लेकिन बीजीपी में हॉप काउंट वैल्यू कभी भी प्रीफिक्स के साथ में ऐड नहीं होती है। आगे बात समझ में, बट अल्टीमेटली होता क्या है, ये डिस्टेंस वेक्टर, बिकॉज ओनली बेस्ट पाथ इन्फॉर्मेशन विल बी फॉरवर्डेड टुवर्ड्स नेबर। समझ में आया सभी लोगों को या नहीं? सुनो आप, तो इसी को हम कहते हैं बीजीपी नेबरशिप स्टेट्स, और यही क्या होता है हमारा, एफएसएम। क्या किसी ने मुझसे कुछ पूछा था क्या अभी, कोई क्वेश्चन? हाँ, आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैंने बता दिया ना, वो डिस्टेंस वेक्टर होता है ये, पाथ वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर। पाथ वेक्टर इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इट यूजेस एस पाथ एट्रीब्यूट फॉर इट्स बेस्ट पाथ सिलेक्शन, राइट। बाकी बोल होता क्या एक्चुअल में, टेक्निकली क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। तो नेबरशिप स्टेट्स की बात करते हैं, ऐसी को हम कहते हैं फाइनाइट स्टेट मैकेनिज्म। समझना बहुत जरूरी है, आपने देखा होगा सबसे पहले भी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, है ना, इनिट आइडियल होता है, आइडियल। फिर इसके बाद किस में जाता है, ये कनेक्ट। फिर इसके बाद एक्टिव, ओपन सेंट, ओपन कन्फर्म, एंड फाइनली एस्टेब्लिश्ड। अब इसके लिए एक फाइनाइट स्टेट मैकेनिज्म, एक्चुअली कब ये किस में जाएगा, कब किस स्टेट में जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो वही अब हम देखेंगे। देखो मैसेज टाइप्स बता दिए, ओपन और फिर कीप अलाइव, अपडेट है ना, और फाइनली नोटिफिकेशन मैसेज। फाइनाइट स्टेट मैकेनिज्म, ये देखो ये है आपकी फाइनाइट स्टेट मैकेनिज्म, किस स्टेट से किस में जा सकता है और किस में नहीं जा सकता। जैसे आप ध्यान से देखो, आइडियल से किस में जा सकता है ये, हाँ कनेक्ट में, बट आइडियल से डायरेक्टली ये एक्टिव या ओपन सेंट में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बीजीपी स्टार्ट होता है तो आइडियल से वो सीधे सीधे कनेक्ट में जाएगा स्टार्ट होते ही। वंस बीजीपी विल गेट स्टार्ट ऑन योर डिवाइस, इट विल डायरेक्टली मूव फ्रॉम आइडियल टू कनेक्ट स्टेट। दैट्स द मीनिंग बाय इनपुट इवेंट वन, कि बीजीपी स्टार्ट हो गया, और अगर बीजीपी स्टार्ट ही नहीं होता है तो उस केस में इट विल रिमेन इन आइडियल स्टेट। जैसे आपने नेबरशिप को शट डाउन कर दिया मैनुअली, नेबरशिप को मैनुअली शट डाउन कर दिया तो इट विल रिमेन इन आइडियल स्टेट, ठीक है। कनेक्ट, कनेक्ट में क्या होगा यहाँ पे, इन कनेक्ट स्टेट इट विल ट्राई टू ओपन ट्रांसपोर्ट कनेक्शन, मतलब टीसीपी कनेक्शन ओपन करने का ट्राई करेगा इन कनेक्ट स्टेट, राइट। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी कनेक्ट स्टेट में, या तो टीसीपी कनेक्शन आपका ओपन हो जाएगा या नहीं होगा, मतलब जो ट्रांसपोर्ट कनेक्शन है या तो वो ओपन हो जाएगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो जाएगा एक्टिव स्टेट में, भाई टीसीपी कनेक्शन या तो ओपन होगा या नहीं होगा, तो टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो किस में चला जाएगा, एक्टिव स्टेट में, और अगर टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो किस में जाएगा, ओपन सेंट में। मतलब कनेक्ट से जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक्टिव में जाए, वो किस में जा सकता है, ओपन सेंट में। समझ में आया आप लोगों को या नहीं, बट कनेक्ट से वापस आइडियल में भी आ सकता है। मान लो कि कनेक्ट में जाने के बाद बीजीपी क्या हो गया, डाउन, अरे स्टार्ट हुआ था, अब क्या हो गया, बीजीपी क्लोज, मान लो बीजीपी क्लोज कर दिया आपने, तो वापस किस में जाएगा, मतलब डाउन होते ही बीजीपी के आइडियल स्टेट में आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, बोलो। तो अब कनेक्ट से देखो दो कंडीशन बताई मैंने आपको, एक तो एक्टिव में जा सकते हैं और दूसरा ओपन सेंट। अब एक यहां पे ना कनेक्ट रिट्राई इंटरवल भी होता है, विच इज बाय डिफॉल्ट 60 सेकंड्स। कनेक्ट रिट्राई इंटरवल, मान लो कि इसने ट्राई किया टीसीपी कनेक्शन ओपन करने के लिए, नहीं हुआ ओपन, तो अब कितने टाइम के बाद करेगा दोबारा, 60 सेकंड, मतलब कनेक्ट रिट्राई टाइमर एक्सपायर होने के बाद में, राइट। और इवन ये कनेक्ट रिट्राई टाइमर एक्टिव स्टेट में भी चल रहा होता है। देखो मान लो कि एक्टिव स्टेट में आ गया, तो एक्टिव स्टेट में क्या कर रहा होता है कि जितने भी इनकमिंग टीसीपी कनेक्शन है ना, उनके लिए, उनको लिसन करने के लिए रेडी रहता है। Means in active state, your device will always ready to listen incoming TCP connection. समझ में आया? अब active state में अगर connect retry timer फिर से expire हो जाता है तो वापस किस में जाएगा? Connect state में। अरे connect retry timer अगर expire हो जाता है active state में तो वापस किस में जाएगा? Connect state में, और फिर से TCP connection establish करने के लिए try करेगा। समझ में आया? और बाकी अगर active में ही connection open हो जाता है, टीसीपी कनेक्शन अगर ओपन हो जाता है एक्टिव स्टेट में, तो किस में चला जाएगा? ओपन सेंट में। समझ में आया आप लोगों को? बाकी एक्टिव से डायरेक्टली किस में भी आ सकता है, वो आइडियल स्टेट में। क्यों आ सकता है? बिकॉज आप बीजीपी को क्या कर सकते हैं वहां पे, डाउन। आप एक्टिव स्टेट में बीजीपी को आपने डाउन कर दिया तो वापस किस में जाएगा? आइडियल स्टेट में। लेकिन एक्टिव से किस में जा सकता है? वो ओपन सेंट में। ओपन सेंट का मीनिंग होता है कि टीसीपी कनेक्शन हैव केम अप सक्सेसफुली एंड ऑल्सो इट हैव सेंट ओपन मैसेज, ठीक है ना? समझ में आया? ओपन सेंट कर दिया देखो इसने यहां पे, ओपन सेंट में। लेकिन अब ये कब तक ओपन कंफर्म में नहीं जाएगा? जब तक इसको ओपन रिसीव नहीं हो जाता। जैसे ही ओपन मैसेज रिसीव होगा नेबर से, तो किस में चला जाएगा? ओपन कंफर्म में।
समझ में आया या नहीं आया? देखो ओपन सेंट में सेंट तो कर ही दिया उसने ओपन मैसेज, लेकिन वो तब तक ओपन कंफर्म में नहीं जाएगा जब तक कि उसको मतलब किसी राउटर को ओपन मैसेज नहीं मिल जाता अपने नेबर से। ओपन सेंट से वापस अगर टीसीपी कनेक्शन क्लोज हो गया तो, अगर टीसीपी कनेक्शन क्लोज हो गया तो वापस किस में चला जाएगा वो एक्टिव स्टेट। हाँ जी किस में? ओपन कंफर्म में नहीं, वो तो मैं बताऊंगा कंफर्म में क्या होगा। अभी ओपन सेंट की बात करो, ओपन सेंट में इसने क्या देखो टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया प्लस इसने ओपन मैसेज सेंड कर दिया। अभी ओपन सेंट में कब तक रहेगा? जब तक कि इसको ओपन मैसेज नहीं मिल जाता। लेकिन जैसे ही बीसीपी राउटर विल रिसीव ओपन मैसेज फ्रॉम इट्स नेबर फ्रॉम इट्स पीयर देन इट विल मूव इनटू ओपन कंफर्म। ओपन मैसेज रिसीव होते इट विल मूव इनटू ओपन कंफर्म। नाउ इट विल रिमेन इन ओपन कंफर्म स्टेट अंटिल अनलेस इट रिसीव इट स्टार्ट्स टू रिसीव की पलाय मैसेजेस। ठीक है, जैसे ही ओपन सेंट में वो एट्रिब्यूट्स वगैरह चेक करता है ना कि मतलब अगर वो उसमें गड़बड़ हुआ तो फिर तो पाथ एट्रिब्यूट्स नहीं मतलब जैसे ओपन मैसेज हो रहा है नहीं हो रहा है अगर समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ओपन सेंट से ही वापस आइडियल में भी जा सकता है अगर बीजीपी डाउन हो गया तो, बीजीपी स्टॉप होगा तो वापस आइडियल स्टेट में। ओपन सेंट से किस में जाएगा? ओपन कंफर्म में। कब जाएगा? जब उसको ओपन मैसेज रिसीव हो जाएगा। ठीक है, जैसे बीसीपी राउटर विल रिसीव ओपन मैसेज फ्रॉम इट्स पीयर इट विल मूव इनटू ओपन कंफर्म। ठीक है, ओपन कंफर्म से वापस ओपन सेंट में नहीं जा सकता या एक्टिव में नहीं जा सकता। ओपन कंफर्म से सिर्फ और सिर्फ किस में जा सकता है? आइडियल स्टेट में। वो भी कब जाएगा? जब है ना, समझ में आया। और अगर टीसीपी कनेक्शन भी डाउन होता है ना यहाँ पे, अगर टीसीपी कनेक्शन भी क्लोज हो जाता है तो भी ये आइडियल स्टेट में जाएगा। मतलब देयर इज नो चांस टू मूव बैक इनटू एक्टिव स्टेट फ्रॉम ओपन कंफर्म। या तो आइडियल में जाएगा या फिर एस्टेब्लिश में जाएगा। आइडियल में कब जाएगा? जब बीसीपी स्टॉप हो जाएगा या फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी या टीसीपी कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, तो किस में चला जाएगा? वापस आइडियल स्टेट में। बट अगर की पलाई मिल जाता है ओपन कंफर्म में, जैसे की पलाई मिलेगा तो किस में चला जाएगा? एस्टेब्लिश्ड स्टेट में। की पलाई मिलते ही किसमें चला जाएगा? एस्टेब्लिश्ड स्टेट में। जैसे की पलाई मिलेगा तो आप एस्टेब्लिश्ड स्टेट में होंगे। की पलाई इन एवरी 60 सेकंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर ओपन कंफर्म में पीयरशिप तो आ जाती है। हाँ, मतलब ऐसा मत बोलो कि ओपन कंफर्म में नेबरशिप आ जाती है। अब तो वो तब तक नहीं दिखाएगा जब तक एस्टेब्लिश्ड स्टेट में नहीं जाएगा। ओपन कंफर्म में टीसीपी कनेक्शन आ चुका है और ओपन कंफर्म का मीनिंग ये भी है कि ओपन मैसेजेस एक्सचेंज हो चुके हैं, ओपन मैसेजेस, बट स्टिल यू आर वेटिंग, नेगोशिएट हो चुके हैं। हाँ, नेगोशिएशन हो गया, ओपन मैसेजेस एक्सचेंज हो गए हैं, बट स्टिल बीसीपी राउटर इज वेटिंग टू रिसीव की पलाय मैसेज। वंस इट विल रिसीव की पलाय मैसेज इट विल बी इन एस्टैब्लिश्ड स्टेट। अब देखो ओपन सेंट में भी कोई टाइमर होगा कि वो मैसेज? नहीं सर, टाइम नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता है, मतलब जब तक उसको नहीं आएगा ओपन मैसेज। ये एसटीपी स्टेट्स नहीं है, STP states नहीं है, कोई टाइमर नहीं होता प्री डिफाइंड। कोई टाइमर कैसे हो सकता है? मान लो कि अब कंफर्म नहीं हुआ तो नहीं, मतलब जैसे एक्टिव सेंट में उसने अपनी तरफ से सर ओपन मैसेज भेज दिया, उधर से नहीं आ रहा तो कितनी देर वेट करेगा? किसका? वो तो होल्ड डाउन टाइमर होगा ना फिर। उसके बाद वो हाँ ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। देखो अब इसके बाद देखो इसमें ये सब चीजें दी हुई है यहाँ पे। देखो इनपुट इवेंट वन का मीनिंग क्या है? बीजीपी स्टार्ट। टू का मीनिंग क्या है? स्टॉप। और थ्री का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट कनेक्शन ओपन। फोर का मीनिंग क्या है? ट्रांसपोर्ट कनेक्शन क्लोज्ड। फाइव का मीनिंग क्या है? ट्रांसपोर्ट कनेक्शन ओपन फेल्ड। तो देखो यहाँ पे वन मतलब स्टार्ट हो गया। अब यहां से या तो टू होगा, टू का मीनिंग क्या है? स्टॉप, बीजीपी स्टॉप, तो वापस आ जाएगा आइडियल स्टेट में। फाइव का मीनिंग क्या था? कि फेल्ड हो गया ओपन कनेक्शन, तो फेल्ड होगा तो किसमें चला जाएगा? एक्टिव में। और अगर थ्री का मतलब क्या होता है? ओपन, तो ठीक है किसमें चला जाएगा? ओपन सेंट में। और अगर टीसीपी आपने क्लोज कर दिया तो वापस किसमें चला जाएगा? एक्टिव में। तो इनपुट इवेंट में फोर का मीनिंग क्या था? टीसीपी कनेक्शन क्लोज्ड, फेल्ड नहीं था, क्लोज्ड था। फेल्ड है तो इनपुट इवेंट फाइव, फेल्ड होगा अगर तो किसमें जाएगा? एक्टिव स्टेट में। बट क्लोज्ड का मीनिंग क्या होगा? कि एस्टैब्लिश्ड हो गया था, एस्टैब्लिश्ड हो गया था टीसीपी कनेक्शन, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? क्लोज। समझ में आया आप लोगों को? और यहाँ पे इनपुट इवेंट 10 का मीनिंग क्या है? देखना यहाँ पे
इनपुट इवेंट 10 का मीनिंग होता है कि रिसीव ओपन मैसेज। तो जैसे ही ओपन मैसेज इनपुट इवेंट मतलब ओपन मैसेज रिसीव किया तो किसमें चला जाना है ओपन कंफर्म में। और इनपुट इवेंट 11 का मीनिंग क्या है रिसीव की पलाई मैसेज। तो जैसे ही इसको की पलाई मैसेज रिसीव होगा तो किसमें चला जाएगा एस्टैब्लिश्ड स्टेट में। आई बात समझ में सभी को या नहीं? तो ये जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म है इसको क्या कहते हैं FSM। और ये FSM पूछते हैं व्हाट इज द FSM इन BGP। ये नहीं पूछेंगे व्हाट आर द नेबरशिप स्टेट्स। नेबरशिप स्टेट्स तुम बता ही दोगे बट ये करना पड़ेगा आपको प्रिपेयर। अच्छे लेवल के इंटरव्यू में हमेशा FSM पूछा जाता है BGP में। और जिसको खुद ही FSM नहीं आता तो वो तो BGP नेबरशिप स्टेट्स ही पूछेंगे। ठीक है, ये समझ में आया सभी लोगों को कि कब क्या होगा कब किस स्टेट में जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड FSM फाइनाइट स्टेट मैकेनिज्म। और इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे हम दैट इज BGP पाथ एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। सर एस्टैब्लिश्ड के बाद मींस नाउ दे आर रेडी टू सेंड अपडेट मैसेज दे कैन सेंड अपडेट मैसेजेस टू ईच अदर। एस्टैब्लिश्ड स्टेट में जाने के बाद ही वो एक दूसरे को अपडेट सेंड कर सकते हैं उससे पहले नहीं। फाइनली लेट्स गो फॉर BGP पाथ एट्रीब्यूट्स। अच्छा ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? अभी तक जो BGP की थ्योरी सुनाई है मैंने आपको कहानियां सुनाई है कि ऐसे होता था ऐसे नहीं ये सब चीजें अगर फुलफिल हो रही होंगी तो ही आप BGP इंप्लीमेंट करोगे वगैरह वगैरह। ये सब समझ में आया आप लोगों को डिफरेंसेस ICPs और BGP में वो समझ में आया आपको? ठीक है, तो अगर BGP पाथ एट्रीब्यूट्स की बात करें तो यहाँ पे दो तरह के पाथ एट्रीब्यूट्स होते हैं। पाथ एट्रीब्यूट्स आर दोस क्राइटेरियाज विच आर यूज्ड बाय BGP फॉर इट्स बेस्ट पाथ सिलेक्शन। आगे बात समझ में? तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स। तो मेनली दो कैटेगरीज हैं यहाँ पे, एक तो होता है वेल नोन और एक होता है ऑप्शनल। ठीक है, वेल नोन में फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक तो होता है मैंडेटरी एक होता है डिस्क्रिशनरी। ऑप्शनल में भी फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव ट्रांसिटिव एंड नॉन ट्रांसिटिव। सबसे पहले वेल नोन और ऑप्शनल से बात करेंगे हम स्टार्ट। वेल नोन का मतलब होता है जो यूजुअली BGP जानता है, जो BGP के लिए वेल नोन है। ठीक है, मतलब जानता है उनको वो। ऑप्शनल का मीनिंग होता है कि ऑप्शनल है बाय डिफॉल्ट नहीं जानता बट अगर आप उसको कॉन्फिगर करोगे तो जानने लग जाएगा। मतलब ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स हैं ये, अगर आप इनेबल करोगे BGP में जाकर के तो ही ट्रांसमिट करेगा तो ही BGP अपडेट्स में भेजेगा अदरवाइज नहीं देगा। समझ में आया ऑप्शनल का मीनिंग। वेल नोन में मतलब जिसको ये जानता है जो यूजुअली यूज करा होता है BGP, राइट। अब वेल नोन में भी दो कैटेगरीज हैं मैंडेटरी डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी का मतलब है कि BGP अपडेट में हमेशा जाएंगे वो एट्रीब्यूट्स, हमेशा चाहे BGP नेबर को अपडेट जा रहा है चाहे BGP नेबर को अपडेट जा रहा है। जो वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि आपका यस पाथ एट्रीब्यूट, ओरिजिन कोड, क्या सर नहीं सर नेक्स्ट स्टॉप, ये हमेशा लग करके जाएगा BGP अपडेट हमेशा चाहे अपडेट BGP नेबर को जा रहा है चाहे IBGP को। डिस्क्रिशनरी में डिस्क्रिशनरी का मीनिंग होता है कि जा भी सकता है अपडेट में और नहीं भी, कुछ केसेस में जाएगा और कुछ में नहीं जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो एग्जांपल होता है दैट इज लोकल प्रेफरेंस। ये चला भी जाता है अपडेट्स में ऑटोमेटिकली और नहीं भी जाता, डिपेंड करता है। अगर IBGP नेबर है तो जाएगा अपडेट्स में, EBGP नेबर है तो कभी भी नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको किसमें काउंट करते हैं हम डिस्क्रिशनरी में। ठीक है, क्लियर हुआ सभी लोगों को?
तो वेल नोन मैंडेटरी और वेल नोन डिस्क्रिशनरी में क्या क्या डिफरेंसेस है वो समझ में आया आप लोगों को? देखो वैसे तो वेल नोन है, देखो ये जो हमारा लोकल प्रेफरेंस है वो वेल नोन है सभी बीसीपी राउटर्स के लिए, वो वेल नोन है, बट किसमें आता है वो डिस्क्रिशनरी में, क्योंकि कुछ कंडीशंस में अपडेट के साथ जाएगा ये, कुछ कंडीशंस में अपडेट्स के अंदर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ईबीजीपी को अपडेट जा रहा है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ईबीजीपी को जा रहा है तो हमेशा होगा। ऑप्शनल ये जब आप इनेबल करोगे तभी इनेबल होगा, तभी समझेगा बीजीपी। इसमें भी दो क्लास है फर्दर, ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव। देखो अगर कोई अपडेट रिसीव हुआ किसी बीजीपी राउटर को, कोई अपडेट आया उसमें क्या है कोई एट्रीब्यूट जो कि क्या है ऑप्शनल, ठीक है, अगर वो ऑप्शनल एट्रीब्यूट ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट है, ठीक है, और ऐसा मान लेते हैं कि हमारा बीजीपी राउटर उसको सपोर्ट नहीं करता, तो ये क्या करेगा उस अपडेट में से उस एट्रीब्यूट को रिमूव करेगा, ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट को रिमूव करेगा, एक्सेप्ट करेगा अपडेट को, अपनी बीजीपी टेबल में इंस्टॉल करेगा, बेस्ट बनाएगा और अपने नेबर को भी एडवर्टाइज कर देगा आफ्टर रिमूविंग दैट ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट। मतलब अगर आपका एट्रीब्यूट ऑप्शनल ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट है और उसको अगर हमारा बीजीपी राउटर अंडरस्टैंड नहीं करता है तो उस एट्रीब्यूट को रिमूव करेगा, अपडेट को एक्सेप्ट करेगा, अपने बीजीपी टेबल में स्टोर करेगा और अपने नेबर को भी आगे एडवर्टाइज कर देगा। समझ में आया आप लोगों को या नहीं? दैट्स द मीनिंग बाय ट्रांजिटिव। और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं एग्जाम्पल्स में आता है जैसे कि आपका इसमें आता है आपका अरे कम्युनिटी जैसे, ठीक है, एक कम्युनिटी होता है ट्रांजिटिव में, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपका आएगा वेल नोन में मेड नहीं आता, ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या आ गया आपका एक कम्युनिटी और साथ में क्या आ गया एक एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मीनिंग समझ में नहीं आएगा अभी आपको, तो सिर्फ कम्युनिटी रखो, कम्युनिटी का मतलब होता है टैग, टैग लगा करके जैसे ओएसपी में टैग लगाया था, रेक में टैग लगाया था, एजीआरपी में टैग लगाया था, ऐसे ही किसमें लगा सकते हैं बीजीपी में, लेकिन बीजीपी में टैग को क्या कहा जाता है कम्युनिटी। तो ये ऑप्शनल होता है, आप इनेबल कराओगे तो ही लग करके जाएगा, नहीं तो नहीं लग करके जाएगा। मान लो कि मैंने लगा करके भेज दिया लेकिन नेबर पे हमने इनेबल नहीं कराया, वो सपोर्ट ही नहीं करता कम्युनिटी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे अपडेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिस्कार्ड कर, ऐसा नहीं कि डिस्कार्ड कर देगा, एक्सेप्ट करेगा अपडेट को, कम्युनिटी को हटा देगा, इंस्टॉल कर लेगा और आगे नेबर को भी एडवर्टाइज कर देगा। रीजन क्योंकि ये किसके अंडर आती है ट्रांजिटिव, कम्युनिटी किसके अंडर आती है ट्रांजिटिव। तो बताया था कि अगर आपका बीजीपी राउटर ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता है, इट डजंट मीन कि वो उस अपडेट को डिस्कार्ड कर देगा, अपडेट आएगा रिमूव करेगा उस कम्युनिटी उस एट्रीब्यूट को, एक्सेप्ट करेगा अपडेट को, अपनी बीजीपी टेबल में इंस्टॉल करेगा और आगे एडवर्टाइज भी कर देगा। आई बात समझ में या नहीं? अगर यही होता नॉन ट्रांजिटिव, अगर नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट है वो आता है हमारे पास में और हम उसको सपोर्ट नहीं करते तो अपडेट ही डिस्कार्ड कर देगा, ना तो खुद एक्सेप्ट करेगा और ना ही नेबर को एडवर्टाइज करेगा। आई बात समझ में? तो इसमें क्या आता है जैसे कि आपका मैड मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटरी, या इसको दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं मैट्रिक, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक आता है ओरिजिनेटर आईडी, क्लस्टर लिस्ट, ये सब जो कि आप समझ नहीं सकते अभी फिलहाल, क्या समझो बस मैड, इसको तो जानते हो ना। तो मैड किस में आता है आपका ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव में। तो इन केस इफ योर राउटर इज रिसीविंग एनी अपडेट विद मैड वैल्यू एंड इन केस इफ बीसीपी डज नॉट सपोर्ट दैट मैड, इन दैट केस इट विल सिंपली डिस्कार्ड दैट अपडेट पैकेट, एंटायर अपडेट पैकेट, राइट। समझ में आया? सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन देयर एट्रीब्यूट्स। तो मेनली दो ही क्लास हैं, वेल नोन ऑप्शनल। फर्दर वेल नोन को भी दो, वेल नोन की भी दो कैटेगरीज हैं और ऑप्शनल की भी दो कैटेगरीज हैं। समझ में आया सभी लोगों को कौन सी कैटेगरी में कौन सा एट्रीब्यूट आएगा, वो समझ में आया आप लोगों को? बाकी एक एक एट्रीब्यूट को इन डेप्थ हम पढ़ेंगे, हर एक एट्रीब्यूट को, चाहे वो ओरिजिन कोड है, चाहे वो लोकल प्रेफरेंस है, चाहे वो कोई भी है, हर एक एट्रीब्यूट को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। फिलहाल बस इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, ठीक है। उस मैट्रिक की बात होती है, वैसे तो और भी बहुत सारे है ना वहाँ पे, एक्चुअली मेड को मैट्रिक बोल देते हैं क्योंकि जो आईजीपी में मैट्रिक होती है ना वो यहाँ पे मेड बोला जाता है। आईजीपी में जो हम मैट्रिक बोलते हैं यहाँ पे हम उसको मेड बोलते हैं, तो वो ऑप्शनल है। हाँ जी ऑप्शनल है, मतलब एक्चुअली दिस एट्रीब्यूट कम्स अंडर ऑप्शनल, इट डजंट मीन कि वो बाय डिफॉल्ट नहीं देगा, देगा, बट इट कम्स अंडर ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट, ठीक है, क्योंकि कई बार मेड लग करके जाता है और कई बार लग करके नहीं भी जाता, बाकी हम लगवा सकते हैं, नहीं जा रहा है लग करके मेड तो हम लगवा सकते हैं इसको,
इसलिए इसको किस में बोल देते हैं हम, ऑप्शनल में, ठीक है। इसके बाद देखो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ बीजीपी टेबल्स की बात कर लें। थ्री टाइप्स के टेबल बनाता है बीजीपी, नहीं बस बीजीपी टेबल, नेबर टेबल और राउटिंग टेबल, है ना। तो बीजीपी टेबल इज सेम एज टोपोलॉजी टेबल इन ईएसईआरपी और यू कैन से डेटाबेस टेबल इन ओएसपीएफ, अगर हम बीजीपी टेबल की बात करें, राइट। तो मुझे उसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको जब बीजीपी टेबल बनेगी फॉर्म होगी तो मैं आपको बताऊंगा, राइट, फाइन। अब देखो अगर बीजीपी पाथ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, पाथ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बीजीपी पाथ सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले टेस्ट करता है नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी। अगर नेक्स्ट हॉप ही रीचेबल नहीं है तो बेस्ट बनेगा ही। मान लो दो राउट हैं, मतलब एक एक सेम प्रीफिक्स मुझे दो डिफरेंट नेबर से लर्न हो रहा है, दोनों तरफ से नेक्स्ट हॉप रीचेबल है, तो फिर नेक्स्ट क्या कंपेयर करेगा, ये वेट। वेट एक सिस्को प्रोप्राइटरी एट्रीब्यूट है, इसलिए मैंने वहां पे इसको मेंशन नहीं किया था, ये किसी के भी अंडर में नहीं आता क्योंकि अपडेट में जाएगा ही नहीं कभी भी। वेट विल नेवर बी कैरी फॉरवर्ड विद इन बीजीपी अपडेट्स। इसके बाद क्या कंपेयर करेंगे वो, अच्छा जो मैं ये टाइप कर रहा हूं ना, ये हमेशा यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा बीजीपी में हमेशा। अगर लोकल प्रेफरेंस भी सेम है तो उस केस में लोकल ओरिजिनेटेड, मतलब एक मैंने एडवर्टाइज कराया, एक मेरे को नेबर से लर्न हो रहा है तो मैं अपने एडवर्टाइज कराए हुए को प्रेफर्ड करूंगा ना। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कंपेयर करता है, यस पाथ एट्रीब्यूट, और अगर ये भी कॉमन है तो फिर ओरिजिन कोड, और अगर ये भी कॉमन है तो फिर मैड, और अगर ये भी कॉमन है तो फिर एक्सटर्नल विल ऑलवेज प्रीफर्ड ओवर इंटरनल। बट अगर दोनों ईबीजीपी नेबर हैं या फिर आईबीजीपी नेबर है तो, अरे ऐसा भी तो हो सकता है, या तो दोनों के दोनों ईबीजीपी नेबर या फिर आईबीजीपी नेबर, तो उसके बाद आईजीपी कोस्ट। ये समझ में नहीं आएगा अभी आपको, बाद में बताऊंगा मैं इसको आपको, ठीक है। टू रीच नेक्स्ट हॉप, और अगर ये या तो आईजीपी वहां पे चल नहीं रहा होगा, यहाँ पे आईजीपी का मीनिंग है एजीआरपी या फिर ओएसपीएफ, तो अगर या तो चल नहीं रहा है बीजीपी बैकग्राउंड में, ऐसा मान लेते हैं कि नहीं चल रहा है, तो ये तो वैसे ही कंपेयर नहीं होगा। तो इसके बाद इसमें आता है आपका ईबीजीपी पियरिंग, लेकिन ईबीजीपी पियरिंग का मीनिंग क्या है कि ओल्डेस्ट पाथ, अरे मतलब मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ओल्डेस्ट पाथ, ईबीजीपी ओल्डेस्ट पाथ, ओल्डेस्ट पाथ। तो ये ओल्डेस्ट पाथ किसमें कंपेयर होता है, ईबीजीपी के केस में। मान लो दो ईबीजीपी नेबर है, सेम प्रीफिक्स आ रहा है, जिससे पहले लर्न हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, बेस्ट। लेकिन आईबीजीपी नेबर भी तो हो सकते हैं, जरूरी थोड़े हैं दोनों के दोनों ईबीजीपी नेबर हों। तो अगर आईबीजीपी नेबर है तो उस केस में लोअर राउटर आईडी, देखो लोअर होती है बेस्ट, अभी तक तो हायर बेस्ट होती थी ना हर एक केस में, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि राउटर आईडी कॉमन हो, है ना, है ना, दो राउटर, अरे राउटर आईडी भी कॉमन हो सकती है कुछ इस तरीके से। देखो जैसे ये राउटर वन और ये राउटर टू, यहाँ पे दो लिंक है, दोनों लिंक्स पे आपने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, बीजीपी पियरिंग, समझ में आया। तो आर टू की राउटर आईडी तो कॉमन ही रहेगी ना, तो उस केस में फाइनली क्या आएगा राउटर आईडी के बाद, लोअर इंटरफेस, लोअर नेबर एड्रेस, लोअर नेबर एड्रेस, नेबर की राउटर आईडी नहीं, नेबर का एड्रेस, नेबर एड्रेस, और इससे अलग तो कुछ ये तो सेम हो ही नहीं सकता कभी भी। तो फाइनली टाइप ब्रेकर ये है। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो ये जो है ना, ये सब के सब किस में आते हैं, टाइप ब्रेकर्स में, टाई ब्रेकर्स में, इवन आई थिंक आईजीपी कोस टू रीच नेक्स्ट हॉप तक ये टाइप ब्रेकर्स में आता है। ये सब के सब क्या है, टाइप ब्रेकर्स, ये एट्रीब्यूट नहीं होते हैं क्योंकि ये बीजीपी अपडेट में जाते ही नहीं है कभी भी। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बीजीपी अपडेट्स में कभी कैरी फॉरवर्ड होते ही नहीं है, तो ये सबके सब क्या है, केवल टाई ब्रेकर्स। उससे पहले के ये सबके सब क्या है, बीजीपी एट्रीब्यूट्स, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल ये सब लग करके जा रहे होते हैं, क्यों मैड वगैरह ये सब पता होता है, जब अपडेट आता है तो पता होता है कि एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है या वगैरह वगैरह जो भी, क्यों। तो इससे पहले के सबके सब क्या है, ये बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स, और बाकी ये सब क्या है यहाँ पे, टाई ब्रेकर्स। अगर वो सब मैच कर जाते हैं तो फाइनली क्या यूज करेगा, टाई ब्रेकर्स। क्लियर हुआ सभी लोगों को या नहीं बताओ। तो हमेशा यही सीक्वेंस होगी बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने की बीजीपी की। तो एक बात और, अगर पाथ इलेक्शन पहले ही लोकल प्रेफरेंस पे हो गया ना,
तो फिर ये आगे जैसे एस पाथ ओरिजिन कोड को कभी कंपेयर करेगा ही नहीं। पता चले बाद में कह रहे हो सर आपने तो कहा था जिसका जिस नेबर का आईपी एड्रेस लोअर होगा वही बेस्ट बनेगा और वो हो गया पहले इलेक्शन वेट या लोकल प्रेफरेंस के बेहा पे। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? पक्का? ठीक है, ओके जी। बीजेपी की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स होते हैं और जो इनडायरेक्टली, सभी के साथ नेबरशिप फॉर्म हो जाती है, क्योंकि ये हमेशा क्या भेजता है अपने मैसेजेस को, यूनिकास्ट करके, है ना, यूनिकास्ट ही होता है यहाँ पे नेबर, मल्टीकास्ट तो करता ही नहीं। और यहाँ पे क्योंकि आप स्टैटिक नेबर डिफाइन करते हैं हमेशा, इसीलिए कोई मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस है ही नहीं इसके लिए, है क्या? बोलो। अरे कभी हमने कहा कि बीजेपी यूजेस मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.11.12 बिकॉज इसको जरूरत ही नहीं, यहाँ पे डायनामिक नेबरशिप का कोई फंडा है ही नहीं। यहाँ पे आपको हमेशा अपना नेबर स्टैटिकली डिफाइन करना होगा, और अगर आप अपने नेबर को स्टैटिकली डिफाइन करते हो तो हमेशा वो मैसेजेस क्या करेगा, यूनिकास्ट। इसलिए यहाँ पे किसी मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। समझ में आया सभी लोगों को? पक्का आपको सर समझ में आया? ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो या इनडायरेक्टली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनडायरेक्टली की जरूरत पड़ती है हमें, कहाँ पड़ती है बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे है कुछ लूप अवॉइडेंस टेक्निक्स इन बीजेपी। ठीक है, एक तो होता है इसमें यस पाथ। भाई आपको पता है इसको हम पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी एक एएस को क्रॉस करेगा तो वो इंफॉर्मेशन इसके एएस, मतलब एएस पाथ लिस्ट में ऐड हो जाती है ना। अरे प्रीफिक्स जब भी किसी एक एएस को क्रॉस करेगा तो एएस पाथ एट्रीब्यूट जो होता है उसके लिए क्या बनती है, एएस पाथ लिस्ट। उसे एस पाथ लिस्ट में उसे एस की इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है, मतलब बीजेपी के बीजेपी का जो प्रीफिक्स होता है उसमें क्या होती है, एस पाथ लिस्ट। और वो प्रीफिक्स जिन भी एसिस को क्रॉस कर चुका होगा उन सभी एसिस की इंफॉर्मेशन किस में लेकर के आता है, एस पाथ लिस्ट में। और ये प्रीपेंड करता है एसिस को, हमेशा अपेंड नहीं करता। प्रीपेंड और अपेंड में दोनों में डिफरेंस है। प्रीपेंड का मीनिंग क्या होता है कि हमेशा लेफ्ट में ऐड करेगा, लेफ्ट में ऐड होते जो मोस्ट रिसेंटली एएस होगा वो कहां पे होगा, मोस्ट रिसेंट एएस लेफ्ट में होगा, और जो राइट में होगा वो लास्ट, मतलब जहां से ओरिजिनेट हुआ। तो अगर आप अपेंड करते हो ना, अपेंड हमेशा राइट में होता है, अपेंड हमेशा राइट में होता है और प्रीपेंड हमेशा लेफ्ट में होता है, ऐड दोनों में हो रहा है, अपेंड में भी प्रीपेंड में भी। तो ये हमेशा क्या परफॉर्म कराता है, प्रीपेंडेशन, ठीक है। तो होता क्या है, देखो एस पाथ कैसे यूज कर रहा होता है, और अगर ये ऐसा ना होता तो लूप बन जाता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। देखो जैसे ये आर वन है, ये R2, ये R3, ये तीनों के तीनों नेबर हैं इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स था 10.1.1.0/24, और मान लेते हैं यहाँ पे AS क्या चला हुआ है 10, यहाँ पे AS क्या चला हुआ है 20, और यहाँ पे क्या चला हुआ है AS 30। समझ में आया? अब यहाँ पे आपने एडवर्टाइज नहीं कराया, इसको कुछ फिल्टरिंग करा दी, तो इसने किसको दिया, ये R2 को। R2 किसको दे देगा, R3 को, और R3 वापस किसको दे सकता था, R1 को। अब R1 जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको यहाँ पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको प्रीफर्ड करेगा, ठीक है। अब अगर ये डाउन हो गया डायरेक्टली कनेक्टेड, तो इसको क्या लगेगा कि इट कैन रीच दिस टेंस प्रीफिक्स वाया R3, तो इंस्टॉल कर लेगा, और ये अपडेट R2 के पास पहले से ही था, और R2 ने किसको दे रखा था, R3 को, और R3 ने किसको दे रखा था, R1 को। अब अगर यहाँ पे कोई होस्ट है विच वॉन्ट्स टू सेंड ट्राफिक टूवर्ड्स 10.1.1.1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, R2 किसको देगा, R1 को, R1 किसको देगा, R3 को, R3 किसको देगा, R2 को, R2 R1 को, R1 R2 को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, राउटिंग लूप। दोबारा बताऊँ क्या, अरे लूप कैसे फॉर्म हुआ वो बताना है क्या मेरे को? देखो हमने क्या किया, हमने हमारे पास ये प्रीफिक्स है बीजेपी में एडवर्टाइज कर दिया, राइट। तो हुआ क्या, R1 ने R2 को दे दिया, लेकिन R1 पे हमने फिल्टरिंग करा दी, R3 को नहीं दिया, R2 को दिया, R2 ने किसको दे दिया, R3 को। तो R2 ने क्या इंस्टॉल कर लिया कि 10.1.1.0/24 इज वाया R1। फिर R2 किसको देगा, R3 को। तो ये कैसे इंस्टॉल करेगा कि 10.1.0 वाया R2, और ये किसको दे देगा, R3 वापस R1 को। तो बीजेपी टेबल में तो रखेगा,
लेकिन बेस्ट क्या रहेगा इसका, डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। लेकिन जैसे ये डायरेक्टली कनेक्टेड डाउन होगा तो ये क्या इंस्टॉल कर लेगा कि 10.1.1.0/24 इज वाया R3 कर लिया इंस्टॉल। ठीक है फिर अब यहाँ पे कोई पैकेट, यहाँ पे होस्ट था, इसने किसको भेजा पैकेट 10.1.1 को, R2 को कहाँ से लर्न हो रहा था, R1 से, R1 को कहाँ से लर्न हो रहा है, और R3 को, और R2 को, तो इसी को क्या कहेंगे, लूप। आगे बात समझ में, तो ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ पे ESPath एट्रीब्यूट को हम यूज कर रहे होते हैं फॉर लूप प्रिवेंशन। तो रूल क्या होता है देखो BGP by default कि whenever a BGP router will receive any update packet from its neighbor, it will always open its ESPath list. It will always open its ESPath list. If it find its own ESPath list, I mean its own ESPath attribute, sorry, its own AS information, its own ESPath inside the ESPath list of the received updates, then it will simply discard all those incoming updates. आई बात समझ में या नहीं? रूल क्या होता है कि whenever a BGP router receives any BGP update, then it checks its ESPath list. If it find its own AS number inside the ESPath list of received updates, then it will simply discard all those incoming updates. आ गई बात समझ में? तो अब जब R1 R2 को देगा, R2 R3 R3 R1 को देगा, तो होता क्या है? ABGP neighbor के लिए ESPath prependation होती है, होगी ना prependation? तो prependation इसीलिए हो रही होती है यहाँ पे कि जब R2 को देगा तो ये क्या कहेगा कि if you want to reach 10.1.1.0 you have to cross AS10. जब R2 R3 को देगा तो क्या कहेगा कि you have to cross AS10 and 20. जब R3 R1 को देगा तो ये क्या कहेगा कि you have to cross 30, 20 and 10. बताया था कि जो लेफ्ट मोस्ट होगा वो क्या होता है, रिसेंट, मोस्ट रिसेंट है ना, और प्रीपेंड होता है, प्रीपेंड का मीनिंग कि हमेशा लेफ्ट में ऐड होगा। तो यहाँ पे ये समझ में आया आप सभी लोगों को? बोलो। तो अब जैसे ये वापस आएगा, जब ये ESPath लिस्ट को ओपन करेगा तो 10 निकलेगा या नहीं निकलेगा? और जैसे ही 10 निकलेगा तो ये यहीं पे क्या कर देगा, इसको डिस्कार्ड, तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं अपडेट को, तो BGP टेबल में ESPath की एंट्री नहीं होगी। तो इनकेस अगर ये डाउन होता है तो क्या ये इस राउट के लिए वाया R3 इंस्टॉल करेगा राउटिंग टेबल में? क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं किया अपडेट इस बार इसने, तो यहाँ पे राउटिंग लूप आकर नहीं होगा। क्लियर हुआ सभी लोगों को? ठीक है जी, अच्छी बात है। ये किसके लिए है? EBGP के लिए। वॉट अबाउट IBGP? अगर यहाँ पे ये R1 है, R2, आई बात समझ में, R3, क्लियर हुआ? सबके सब किस में है ये? एक सेम AS में, मतलब एक AS है यहाँ पे 10, सबके सब IBGP नेबर्स हैं, राइट? R1, R2, R3, यहाँ पे यही प्रीफिक्स था 10.1.1.0/24, आई बात समझ में या नहीं? समझ में आया आपको या नहीं आया? अब वही किया हमने कि यहां से एडवर्टाइज नहीं कर रहे, सिर्फ किसको कर रहे हैं, R2 को, तो R1 किसको देगा, R2 को। अब अगर इसने यहां पे अपना AS ऐड करके देता है R2 को, तो क्या R2 इसको एक्सेप्ट करता? तो याद रखना, जब भी IBGP नेबर को अपना अपडेट देगा तो उसमें अपने AS की इन्फॉर्मेशन कभी भी प्रीपेंड नहीं करेगा। EBGP नेबर को देगा तो हमेशा अपने AS की इन्फॉर्मेशन प्रीपेंड करके देगा। दोबारा बोलूं, BGP में जब भी अपडेट्स EBGP नेबर को देगा तो अपना AS प्रीपेंड करके देगा, लेकिन जब भी IBGP नेबर को देगा अपडेट्स तो फिर IBGP नेबर के लिए कभी भी अपने AS को प्रीपेंड नहीं करेगा। मींस जब भी IBGP नेबर को अपडेट देगा तो ESPath प्रीपेंड नहीं होगा। क्लियर हुआ या नहीं होगा? अरे अगर ऐसा होता, प्रीपेंड करके देता IBGP नेबर को, तो क्या IBGP नेबर इस प्रीफिक्स को एक्सेप्ट कर पाता? वो तो यही सोचता कि इट हैज ऑलरेडी अक्रॉस्ड माय AS। तो इसीलिए IBGP नेबर को जब भी अपडेट देगा तो अपने AS की इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेगा। तो बिना AS की इन्फॉर्मेशन ऐड किए किसको दे देगा? R2 को। और R2 किसको दे देगा? R3 को। और R3 किसको दे देगा वापस? और एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसको अपना AS इस बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अरे IBGP नेबर्स हैं सबके सब, तो इसको अपना AS नहीं मिलेगा, BGP टेबल में इंस्टॉल कर लेगा, फिर से क्या बन जाएगा? राउटिंग लूप। जैसे ही डायरेक्टली कनेक्टेड डाउन होगा, जैसे ही डायरेक्टली कनेक्टेड डाउन होगा, फिर से क्या बन जाएगा? लूप। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। रूल, देयर इज IBGP रूल, देयर इज ए IBGP रूल, एक IBGP रूल होता है यहाँ पे BGP में। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इफ ए BGP राउटर रिसीव्स एनी अपडेट फ्रॉम वन ऑफ द IBGP नेबर, देन इट विल नेवर एडवर्टाइज, इट विल नेवर फॉरवर्ड दैट इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स एनी अदर IBGP नेबर। मतलब अगर एक IBGP नेबर से कोई अपडेट मिला तो उसको नेक्स्ट वाले IBGP नेबर को कभी भी एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो अगर R2 को R1 से कुछ मिला तो R3 को देगा ही नहीं कभी, और अगर R3 को R1 से कुछ मिलता है तो R2 को नहीं देगा, और अगर R2 को R3 से कुछ मिलता है तो R1 को नहीं देगा। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर R1 और R2 और ये R3, समझ में आया? अगर इस तरह से IBGP पियरिंग है
तो क्या R3 के पास R1 का प्रीफिक्स होगा? क्या R3 के पास R1 का होगा? और क्या R1 के पास R3 का प्रीफिक्स होगा? क्या उनके लेन यूजर्स आपस में बात कर पाएंगे? अब नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। इसीलिए जब भी आप IBGP इंप्लीमेंट करोगे तो हमेशा किस वे में करोगे? फुली मैच्ड। इसीलिए फुली मैच्ड बनाना पड़ता है। और इसीलिए किसकी जरूरत पड़ी? इनडायरेक्ट नेबरशिप की, जिससे कि आप R1 और R3 के बीच में इनडायरेक्ट नेबरशिप बना लो, तो R1 और R3 की भी नेबरशिप हो जाएगी, जिससे कि R1 अपने अपडेट किसको दे दे? R3 को, तो उसके पास भी प्रीफिक्सेस चले जाएं। आई बात समझ में या नहीं? इस IBGP रूल की वजह से ही हमें IBGP के केस में क्या रखनी पड़ती है? टोपोलॉजी अपनी फुली मैच्ड। आई बात समझ में सभी को या नहीं आई? बोलो। ठीक है जी, तो अब फुली मैच्ड रखेंगे तो R1 की नेबरशिप R2 और R1 की नेबरशिप R3, और यही रीजन है कि बैकग्राउंड में क्या चलाना पड़ेगा अब आपको? IGP, मतलब EICRP OSPF, लूप बैक बनाओ सभी पे, उन लूप बैक्स को एडवर्टाइज कर दो EICRP में। तो R1 से R2 का भी लूप बैक रीचेबल होगा और R3 का भी लूप बैक रीचेबल होगा। अब आप कहोगे जब सर EICRP चलाई दिया तो फिर BGP क्यों? बताऊंगा वो भी, टेंशन ना लो। ठीक है, वो भी बता दूंगा। फिलहाल ये तो हो गया IBGP के केस में। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट AS में होते, जैसे यहाँ पे AS10 ये यूज कर रहा है और यहाँ पे AS20 ये यूज कर रहा है और यहाँ पे AS फिर से 10 यूज कर रहा है, 10 वापस से, तो क्या R1 और R3 के बीच में राउट्स एक्सचेंज होंगे? यहाँ पे तो लूप भी नहीं बन रहा है। अरे यहाँ पे तो लूप भी नहीं बन रहा है। क्या R1 R3 के लेन को पिंग कर पाएगा? और क्या R3 R1 के लेन को पिंग कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो समझेगा कि मेरे AS को तो पहले ही क्रॉस कर चुका है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो इस केस में भी इनके इन दोनों के लेन यूजर्स बात नहीं करेंगे। तो इस केस में हम इस रूल को अवॉइड कर सकते हैं, इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम इन रूल्स को अवॉइड कर सकते हैं, चाहे IBGP वाला रूल है चाहे ये वाला रूल है। बट बाय डिफॉल्ट ये दोनों के दोनों रूल क्या होते हैं? इनेबल्ड। ठीक है, फॉर लूप प्रिवेंशन, क्योंकि यहां पे कोई स्प्लिट रीजन नहीं होता, यहां पे कोई SPF एल्गोरिथम वर्क नहीं कर रही होती है। ठीक है, बाकी तुम लोग समझदार हो, पढ़ के आना BGP, बहुत सारी बातें बताई हैं आज।